2:18 और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो जल्दी जाना था क्योंकि पॉसिबिलिटी है बारिश होने का, सो हम पहले जल्दी निकल गए। ये है आशीष, यहाँ दिख रहे होंगे पीछे बोर्ड था एक, उसमें लिखा था कि क्या बोलते हाथी आ सकते हैं, क्रॉस क्रॉस लगाया हुआ था, एलिफेंट बनाया हुआ था। यहाँ पे आते हैं हाथी, आते हैं ना, क्रॉस करते होंगे रास्ता, क्रॉस करते हैं। सिलीगुड़ी में भी है, मेरिक जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पर भी हाथी आते हैं, जंगली हाथी। क्या तुम अपना शक्ल देखे रेड हो गया ना, तुम सोए नहीं हो आशीष? गुज गैंग गुज गैंग गुज गैंग गुज गैंग। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश मेन टाउन, मेन सिटी आई गेस है ना, जो भी बोलते हैं मेन मार्केट। हाँ, और इधर से हम आगे जाएंगे, मतलब जहाँ भी मतलब शहीद मनीष थापा द्वार। कौन सा द्वार? मनीष थापा, मनीष थापा द्वार, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद मनीष थापा द्वार। अच्छा हाँ, सो गाइस वी हैव रीच्ड आई गेस, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आपको भीड़ दिखे, पब्लिक दिखे, दुकान दिखे, खाने पीने की चीजें, लोकल यू नो दुकानें, तो समझ जाओ कि आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पर कोई अच्छी सी घूमने फिरने की जगह हो, है ना। जैसे हम अमृतसर कहते थे, गोल्डन टेम्पल वॉज ऑलमोस्ट लाइक दिस नो, सिमिलरली ऋषिकेश में भी ऐसे ही है। देखो खाने पीने की चीजें यहाँ, देखो तो हम लोग पहुँच गए अभी गंगा नदी। मम्मी बताओ, मम्मी कहाँ तक ये इस बार पानी कैसा है, कहाँ तक पहुँच गया है? पानी बहुत भर गया, पानी बहुत भर, बारिश की वजह से। आओ आओ नीचे नीचे नीचे, है यहाँ की, आओ ना यहाँ की, वहाँ तक वो आगे जहाँ पेड़ पौधे हैं। अच्छा, और अभी बारिश की वजह से सीढ़ी भी ढक गया ना पूरा, लो सब बच्चे। चलिए अब आते, हाँ फूल वगैरह लेते हैं। चलिए देखो लोग कैसे गंगा जल बेच रहे हैं, देखो छोटे छोटे ऐसे बॉटल्स। गंगा जल नहीं बिकता है, डब्बा बिकता है। अच्छा सिर्फ डब्बा बिकता है, गंगा तो गंगा जल तो यही है। वाह यार मेरा दिमाग। आई एम एक्साइटेड डुबकी मारने के लिए। हमारी मम्मी थोड़ी कैमरा शाय है, यहाँ से हमारे ना सीढ़ियाँ ढक गई थी, यहाँ से मार थी पानी। बाबा कुछ बोल रहे, बाबा कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे? तो चलो भी ये ले। यहाँ पर है चेंजिंग रूम, और यहाँ पर डुबकी मारना है, यहाँ पर चेंज करना है। ये जा रही है हमारी मम्मी डुबकी मारने, जाना जाना वो पकड़ के ना आएगा, पकड़ के ना आएगा सच्ची माँ, यही ना आने आमा बर्फ पानी है, ठंडा है बहुत, बहुत ठंडा है, देखते हैं।
भाई साहब, ये बच्चे कैसे खेल रहे इसमें? तुम लोग ठंड नहीं लग रही बाबू? ठंड नहीं लग रही? ए सुन ना ए, तेरा घर नहीं है वहाँ पानी आ गया तो भर गया था, पानी भर गया तो ऊपर तक। तुम यही रहते हो? रात को पानी पड़ा देते हैं। हाँ हाँ मज्जा होने लगे तो तुम ही करो ना। मजा आयो? मजा आयो। की मार के वापस निकल चुके हैं। हाँ, यहाँ पर हमने कपड़ा चेंज कर लिया। कपड़ा चेंज करो ना जल्दी। हाँ, अब पानी चढ़ा। यो आमा को बाद दिख गया तब को भाई जंगल में मुर्गा उर्गा मार तो फिर चावल बना के खाते थे। तो बाबा मतलब इस पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं सबसे ऊपर पॉइंट तक। हाँ वहाँ तक गए तो वहाँ बहुत हाथी है, बहुत भालू है, बहुत शेर है। शेर है? अच्छा देखो बाबा ने अपना बचपन यही बताया। पांचवा दिन में लौटे थे नीचे, आए कुछ खाने, to see all these things, snacks के लिए। हेरी बाबा अरे हाँ बस तो सुख चल आशीष कारी बहुत ज़्यादा गर्म। पानी तो रहा है थोड़े लगा जाए। हमने ये टीका भी लगा लिया देखो, पर आ रही है बहुत ज्यादा पसीना। सबसे अच्छा चाय और समोसे, समोसे भी बढ़िया था, गरम गरम चाट, चाट भी अच्छा ठीक ठाक था, समोसे छोले सबसे बढ़िया था। अच्छा और आपको अपनी मम्मी से मिलके कैसा लग रहा है? मम्मी से मिलके कैसा लग रहा है कितने दिन बाद? मम्मी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से मिले नहीं, इनको बोलता हूँ आओ घर आते ही नहीं बोलते हैं, टाइम बहुत क्या बोलते हैं कि आते हैं कुछ दिन में आते हैं। आप लोगों का शक्ल एकदम सेम सेम दिखता है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा एक साथ हंसो दोनों एक साथ, सेम सेम लगते दोनों सच में इसीलिए। ये था मम्मी ने बढ़िया ऑन कैमरा डाटो, ऑन कैमरा डाटो। अरे होटल में चाय पीने आए थे, खरीद नहीं लिया है कि दो दिन तक बैठे रहे। चल मस्त है भैया समोसा, धन्यवाद। थोड़ा प्याज डाल तो अच्छा होता जी। प्याज है तो तभी प्याज करना है। मतलब हम लोग तब से ना सोच रहे थे प्याज चाहिए हमें अपने चाट में, फिर हमने बोला नहीं यहाँ पर प्याज नहीं मिलता। आमा ने बताया यहाँ पर प्याज नहीं मिलता और ये शरेआम प्याज में देखो नूडल्स बना रहे हैं। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी सी ऊपर, ये है गंगा घाट और उसके जस्ट यू नो ऑपोजिट पर यहाँ पर सारा खाना पीने का, शॉपिंग ये
सब है, छोटी छोटी चीजें, लोकल शॉपिंग, और मैं और आमा घूम रहे इधर। चलो आरती के सामान लोग ही रहते हाँ, वो देखो अभी शाम को होगी यहाँ पर आरती, तो वो आरती का सामान लेके जा रहे हैं ऐसे डाल के। आज शाम को अभी आरती होगी यहाँ पर 7 बजे, तो हम 7 बजे तक रुकेंगे। ये देखो ऐसे लेके जा रहे हैं वो, सोचा आरती की प्रिपरेशन आप यहाँ देख सकते हो, वो लगाएंगे अभी आरती के लिए सेटअप। सो यहाँ पर लोगों की भीड़ हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो लोग ना बैठना स्टार्ट कर दिए इन्होंने, क्योंकि शाम को 7 बजे आरती होगी, पर अभी बज रहे हैं 6 ऑलमोस्ट अबाउट टू बी, और लोगों ने अभी से बैठना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहाँ पर आरती का अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया है एज यू कैन सी, और यहाँ पर लोग भर चुके हैं। भगवान की जय।
जाते समय उस जंगल में हमें हाथी होने से रात को हाथी लगता है ना। चलो चलो हमें जल्दी करना पड़ेगा। हाथी लगता है मतलब रास्ते में हाथी आ जाते हैं। हाथी आ जाता है तो जगह जंगल वाली हमें मिल गया फिर हम अटक जाएंगे। तो गाइस वी आर हेडिंग बैक होम और यह नजारा देखो, इधर जंगल बीच में रास्ता और हम जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा खाते हुए वापस आ गए हैं टुडुन और यहाँ पर हम खाना खाने रुके और यहाँ पर आशीष मेन्यू पढ़ के सुना रहे हैं पापा को। वेज कोल्हापुरी, चना मसाला, चना कुंडी, कॉर्न कैप्सिकम मसाला, मशरूम मटर मसाला। खाना सब पैक हो चुका है, घर अभी है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी नहीं है वैसे। अब चलते हैं गर्मा गर्म लेकर और सर्व करते और खाते हैं। लेट्स गो। चलो बाबा क्या खरीदना पड़ेगा? मूंग की दाल। ये मम्मी ने कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाया है क्यों ये लिट्टी से ना कर दिए बाबा। वी हैव रीच्ड होम। माथे ने ऊंचा स्टीयरिंग।